साथियों, 21वीं सदी के बंगाल को एक ऐसी सरकार चाहिए जो लंबे विजन के साथ यहां काम करे। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, तो बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो अगले 25 साल की प्लानिंग के साथ बंगाल को फिर से उस बार उसके स्वर्णिम काल में वापस ले जाए। लेकिन ममता दीदी के 10 साल का शासन इस बात का गवाह है कि उनके पास इसके लिए न विजन है और न ही इच्छा शक्ति है। किसानों के लिए दीदी का विजन क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि पर रोक। हेल्थ सेक्टर के लिए दीदी का विजन क्या है? आयुष्मान भारत योजना पर रोक। अर्बन प्लानिंग के लिए दीदी का विजन क्या है? रेरा कानून को लागू करने पर रोक। हाउसिंग के लिए दीदी का विजन क्या है? पीएम आवास योजना की सुस्त रफ्तार और ऊपर से कटमनी कटमनी। सेफ वाटर, शुद्ध जल के लिए दीदी का विजन क्या है? हर घर जल मिशन के पैसे जो भारत सरकार ने भेजे हैं फाइलों में दबा कर बैठ जाना। आप मुझे बताइए, क्या जो इस विजन के साथ काम कर रहा हो वो बंगाल के सामर्थ्य के साथ न्याय कर पाएगा? इसलिए बंगाल की जनता ने, आप सभी ने ठान लिया है, दीदी को अब जाना ही होगा। दीदी को अब वैसे आज नंदीग्राम के लोगों ने ये काम पूरा कर दिया है। अब बंगाल की जनता और इंतजार नहीं कर सकती। अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए बंगाल के लोग आज सिर्फ चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे, बल्कि वो बंगाल के पुनर्जागरण का मार्ग तैयार कर रहे हैं।